गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आशुप्रिया फॉरएवर। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मीशो से, और जो कि होने वाली है किचन एसेंशियल्स, वो भी 250 के अंदर। तो सो वीडियो को लेट ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15 प्लस प्रोडक्ट है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी पर बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को लेट ना करते स्टार्ट करते हैं। सो हमारे वीडियो का सबसे पहला प्रोडक्ट है, ये है नाइफ। सो आप सोच रहे हैं कि मैं नाइफ से स्टार्ट कर रही हूँ, नाइफ तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, बट ये ऐसी वैसी नाइफ नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा नाइफ है। सो ये 2-in-1 है, इसके अंदर एक पीलर भी है और नाइफ भी है। सो आप देख सकते हैं ये लाइट कलर ग्रीन में है और नीचे डार्क कलर ग्रीन में है। कलर ऑप्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंडमली मिलेगा। सो मुझे ये ग्रीन में रिसीव हुआ है, बट इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैं इसके लिए तो खुश हूँ। सो आपको देख सकते हैं यहाँ पे नाइफ का बटन है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो प्रेस करेंगे तो आपको ये नाइफ ओपन होगा। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आपको ट्रैवलिंग में जाना है या ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैंने इसको फिर चेक करके देखा है कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। साइड बाय साइड मैं आपको पिक भी लगा दूंगी ताकि आप देख सकेंगे कि कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप चेक कर लीजिएगा साइड बाय साइड वाली इमेज, एंड उसको ईजिली आप कैरी कर सकती हैं। और स्पेशली ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया क्योंकि उनको चाहिए होता है और मुझे उनको पैक करके देना होता है। सो मैंने उनके लिए स्पेशली ये, मुझे जब मीशो पे दिखा तो मैंने ये इसे ऑर्डर कर लिया था। एंड दूसरे साइड आप जब इसे पीलर ये वाला बटन क्लिक करेंगी तो आपको इस एक तरफ पीलर मिलेगा। सो आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं और ये बहुत इजीली है और ट्रैवल फ्रेंडली है। सो ये हाईली रिकमेंड है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये। सो मुझे अगर मैं लोकल मार्केट में लेने जाती तो मुझे एक ही मिलता है इतने प्राइस में, एक भी मिले या ना मिले शायद से इससे ज़्यादा ही का प्राइस का मिलता, बट मुझे मीशो पे दो मिल गया। सो इसके लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये आप सोच रहे हैं कि क्या है, तो ये है घी कंटेनर या ऑयल कंटेनर। सो जो घी या ऑयल आप प्लास्टिक वाले बॉटल या ग्लास वाले, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास बेबी है तो मैं प्लास्टिक में तो रखना नहीं चाहती हूँ, ग्लास में रख नहीं सकती, तो स्टील से ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। सो मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था और ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है, मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 400 ml की क्वांटिटी रख सकता है और ये बहुत लाइट वेट है बट बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये स्टील का है। सो इसके आपके साथ कंटेनर कुछ इस साइज का मिलेगा आपको, एंड इसका जो कैप है वो इस टाइप का है, इसमें होल है इसमें, और आपको इसके साथ स्पून मिलेगा। सो आप इसे इजीली कहीं मतलब रख, आप इसे इजीली इसमें घी या ऑयल रख सकती हैं और इसे यूज कर सकती हैं। और ये एक नहीं दो दो रिसीव होता है, दिखा देती हूँ मैं आपको। सो ये एक की जगह मुझे दो दो मिला एक ही प्राइस में। सो इसके लिए तो बहुत ही खुश हूँ। और ये अगर आप, ये घर में तो बहुत यूज होता ही होता है, सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे परचेस कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी का। सो ये तो हाईली रिकमेंड है, हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से। सो ये आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप इसे परचेस कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी से ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा किचन एसेंशियल से हटके है, बट आप कह सकते हैं होम एसेंशियल्स में आता है। सो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पेडिक्योर वाला किट। सो आप सोच रही है कि इसमें दिखा रही हूँ, बट ये सच में बहुत ही क्यूट आया है। मैं इसे शायद से नेक्स्ट हॉल में दिखाती बट मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लगा और मैं सोची कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए तो मैं इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पैकेजिंग देखिए, ये बहुत अच्छे से पैक आया और इसका जो बॉक्स है तो बहुत ही क्यूट है। सो अगर आप इसे किसी भी पर्स ये इजिली कैरी कर सकती है क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट वाले में है, आप देख सकती हैं इतना छोटा सा है बट ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग देख लीजिए क्योंकि पैकेजिंग को थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि इतनी अच्छी है ही। सो ये मुझे रैंडम कलर में ही, इसको भी आपको रैंडम कलर में ही मिलेगा बट मुझे ये पिंक में मिला और सो बहुत अच्छा है। और ये लेदर वाले टेक्सचर में है। सो बहुत हो गई इसकी बात, कर ली हमने पैकेजिंग की, जो मेन प्रोडक्ट है वो तो मैंने दिखाया ही नहीं। सो आप इसमें बटन प्रेस कीजिएगा तो ये ओपन होता है और ये इसमें इतने सारे चीज़ें मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा नीडी प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। सो इसमें आपको सारे पेडिक्योर की करने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो सीजर्स, नेल कटर्स और क्यूपिड वाला जितने भी चीज़ें, और ये दो प्लास्टिक के ब्रश है बट मुझे ये लगता नहीं है कि ये कुछ ही यूज़ का होगा, बट हाँ नेल्स के अंदर थोड़े से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये दो को उतना ओके टाइप का लगा है, बट इस बाकी जो प्रोडक्ट है इसके उस
की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टॉप नॉच है, सो ये ले सकते हैं। और ये होना घर में तो एक एसेंशियल है ही, और खास करके अगर कोई लड़की हो और या कोई लेडी हो तो उनको तो चाहिए। सो इनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको भी नीड है या आप पेडिक्योर वाले किट लेना चाहती हैं, सोच रही हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क करता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है मुझे। सो हैप्पी फॉर दिस। सो इसे मैं 10 out of 10 देती हूँ। एंड ये जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, इतना हल्का है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर है, वो है ये एप्रेन। कुछ गिरा। इसके अंदर ये कार्ड था कि आप इसे रेट कर सकते हैं कि वेबसाइट को। जो ये है एप्रेन, और इसकी जो आवाज़ होगा, साउंड आपको बहुत इरिटेट कर सकता है, तो उसके लिए स्पेशली सॉरी। एंड ये बहुत क्यूट है, आप इसका प्रिंट देख सकते हैं, बहुत क्यूट है, क्यूट बनी सा बना हुआ है। ये बहुत ही क्यूट है, और ये वाटर प्रूफ है, सबसे बड़ी बात कि ये वाटर प्रूफ है। और ये तो हम हर घर में नीड होता ही होता है। और आप इसे देख सकती हैं कि जो इस एप्रन के जो साइड में ये दिया है कि अगर आपका हाथ गीला हो या वेट हो तो आप इसमें भी पोंछ सकती हैं, ये टावल वाले टेक्सचर में है। एंड इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी बताऊँ, बहुत अच्छी है। मुझे ये लगता है कि बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होगा। एंड इसमें एक पॉकेट दी हुई है और ऐसा प्रिंट हो रखा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। आप अगर इसे यूज करके वॉश करेंगी या वेट वाला काम करेंगी तो आप बिल्कुल गीला नहीं होंगी। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। इसको भी 10 out of 10 मिलता है। ये भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकती हैं। एंड ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिससे थोड़ा सा उम्मीद मुझे था कि बहुत अच्छा आएगा, बट बहुत अच्छा, मतलब अच्छा जैसा मुझे चाहिए वैसा आएगा, बट ये अच्छा है, ऐसा नो डाउट कि अच्छा नहीं है। बट ये साइज में थोड़ा छोटा है, जितना उम्मीद था उससे थोड़ा सा छोटा है। मुझे इसे थोड़ी सी साइज बड़ी चाहिए थी, बट ये इतने अफोर्डेबल में अगर मुझे 4 पीस मिलता है तो इसे मैं डेफिनेटली कीप करने वाली हूँ, क्योंकि आप इसकी क्वालिटी देख सकती हैं। इसमें आपको एक 4 मिस रिसीव होंगे, 4 की क्वांटिटी में रिसीव होता है। जो सबसे बड़ा वाला साइज है वो इस साइज का है, एंड जो उससे छोटा है वो इससे थोड़ा सा इतना छोटा है, देख सकते हैं। एंड जो इसे 3rd वाला नंबर एंड 4th वाला नंबर, और जो इसको होल्ड करने के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी क्वालिटी में नो डाउट बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली में मुझे इससे उम्मीद थी कि थोड़ा जो बिग वाला होगा वो एटलीस्ट थोड़ा सा और बड़ा है, बट कोई ना, ये भी बहुत ही अच्छा है। मैं इसे डेफिनेटली कीप करूंगी, क्योंकि ये मेरे बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपको भी ऐसा है नीड, अगर इस साइज में आपको चलता है तो आप परचेस कर सकती हैं। अगर आपको भी थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए जितना मुझे चाहिए था, तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, बट इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कि अगर आपको ये साइज सूटेबल लगता है तो आप परचेस कीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हैवी है, ये मैंने मंगाया था, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मीशो से मंगाया है। चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बस उसका ऊपर का पैकेज खोल दिया है, क्योंकि ना मुझे टाइम लग जाएगा उसे ओपन करने में पूरी वीडियो में। मैंने सबके थोड़े थोड़े से ऊपर के पैकिंग खोल दिया, बट मैंने अंदर से नहीं, किसी किसी प्रोडक्ट को तो बिल्कुल ही नहीं देखा था, कुछ कुछ प्रोडक्ट को मैंने चेक कर लिया था, जैसे कि नाइफ। ये मैंने मंगाया था वो है ये फॉइल, एंड ये जो रैपर, आई मीन ये फॉइल है, और ये फूड को जो रोटी वगैरह को रैप करने के लिए ये होती है, ये वो है। ये 25 25 मीटर्स के आए हैं। पहले चेक करते हैं कि है कैसा। गाइस, ये रहा वो जो मैंने आपको दिखाया है, ये फॉइल एंड रैपर वाला। ये बहुत ही अच्छा है, ये एग्जैक्टली सेम ही है। मुझे ऐसा लगता है बटर पेपर एंड वाला नई फॉइल। ये जितने के मुझे दो रिसीव हुए हैं वो भी 20 25 मीटर्स। मैं इसे डेफिनेटली हर मंथ तो मेरे परचेस लिस्ट में ऐड टू कार्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत सही क्वालिटी का है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सच। इतनी कम प्राइस में मुझे रिसीव हुआ, इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुश हूँ कि मैंने ट्राई किया एटलीस्ट, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे ये सारे प्रोडक्ट मीशो से नहीं परचेस किए थे। मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया, एंड आई एम रियली इम्प्रेस बाय
दिस कि मैंने इसे परचेज किया है। अगर आपको भी ऐसा नीड होता ही रहता है, आपको क्योंकि टिफिन वगैरह पैक करना होता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी बहुत खुश हो जाइएगा क्योंकि बहुत ही पैसे बच जाएंगे आपके। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा इसे, क्योंकि ये भी हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है और ये मुझे बहुत सही लगा और ये बहुत अफोर्डेबल तो है ही है, आप इसे देख सकती हैं। डेफिनेटली यह मेरा नेक्स्ट एंड ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, स्पेशली सारे लेडीज़ के लिए, उन्हें ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके पास इतनी ज्वेलरी होती है, स्पेशली जैसे मेरे पास होती है, तो मतलब मैं इधर उधर भी घूम जाती हूँ, जब मैं कुछ चाहिए होती है तब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। आप सारी की सारी इसकी पैकेजिंग देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर का कवर भी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल वैसी लोकल या चीप वाली नहीं है, आपको पता चल रहा होगा मैं टच करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही स्टिफ वाली टाइप की है और ये इसके जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप इसे ओपन करेंगी तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इसमें आपकी ज्वेलरी जो है ऑक्सीडाइज या खराब होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा प्लास्टिक यूज किया गया है जिससे आपकी ज्वेलरी कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी, आप इसे इजीली स्टोर कर सकती हैं इसके अंदर। ऊपर वाला सेक्शन है वो पूरा फुल लेंथ वाला है, जिसमें मतलब आप ज्वेलरी वगैरह रख सकती हैं। वैसे आपको दो बैग मिलेंगे जो फुल लेंथ के होंगे और बाकी आपको जो नीचे से है वो डिवाइड होके स्टिच होके रखा है, जिसमें आप इयर रिंग्स वगैरह रख सकती हैं, रिंग्स वगैरह रख सकती हैं एंड ऑल मतलब जो भी आपको सही लगे आपके ज्वेलरी के हिसाब से, तो इसमें आपको इतने सारे एक साथ आप स्टोर कर सकती हैं। ये मेरे लिए तो बहुत यूजफुल होगा और मेरे साथ आपके लिए भी बहुत होगा, क्योंकि सबके पास इतनी ज्वेलरी होती होती है और जितनी मैं क्लमजी हूँ उतना पता नहीं, क्योंकि मेरे सारे जब मुझे एंड टाइम पर चाहिए होता है तो मुझे मिलता नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, मुझे इसका कलर अच्छा लगा और इसमें आपको दो कलर के और ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे तो उसे आप परचेस कर सकती हैं। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था देखने में, सो मैंने इसे परचेस किया एंड एंड जो नेक्स्ट है वो है ये। आप जैसे कि जब मुझे कुछ चीज भी बनानी होती है, जब मैं YouTube से बना के सीखना चाहती हूँ तो मेरे को है ना उसमें लेकिन मेजरमेंट दिया रहता है कि इतने इतने ग्राम इतने ml, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसे कैसे मेजर करूँ, तो स्पेशली मैंने उसके लिए ना ये बेटिंग मशीन ही मंगा लिया है। ये ऑलमोस्ट 5 kg का वेट ले सकता है और वाओ ये तो स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत मुझे लगता है कि वर्क करेगा और डेफिनेटली अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि खाना बनाने में, कि मुझे मेजरमेंट करके बनाना होता है। मैं आपको इसकी साइड बाय साइड इमेज बता दे मतलब आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये वर्क। गाइस ये जैसा कि अभी हमने इसे ऑन किया तो ये ऑन हो गया, तो अभी ये 0 पे दिखा रहा है। हमने इसके ऊपर कोई वेट रखा तो ये 2.7 का है। अब हम इसे ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो ये 0 हो गया, बट अब हम ये अब इसी के ऊपर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं कि उसको भी मेजरमेंट करके डालना है, तो इस पे वेट डालेंगे तो ये उसको भी मेजरमेंट करेगा, इसका जो वेट है उसको काउंट नहीं करेगा और इसका मेजरमेंट करके बताएगा कि ये कितने ग्राम का है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये मीशो से मिला है मुझे, तो ये हाईली 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 रिकमेंड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्क करता है। एंड अगर आपको ये ऐसा कुछ आप भी को भी प्रॉब्लम होती है तो आप भी परचेस कर सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है, रिकमेंडेड है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा जैसे कि क्राफ्टी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं एंड वो वाले हैं। वो है ये कुकी कटर्स। ये मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिले हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में मिले हैं एंड ये फ्लावर वाले हैं और इसके साथ हमें टूल्स भी मिले हैं जो कि अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हैं। इसके जो टूल्स है आपको ये कुछ 46 या 36 ऐसे कुछ समथिंग पीसेस में है। आप पहले इसके टूल्स देख सकते हैं और ये टूल्स ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, इवन ये कुकीज़ के या ऐसे बेकिंग वगैरह के जो क्लासेस है उनके लिए बहुत अच्छा है और ये क्राफ्टिंग में भी यूज़ हो सकता है। ये एक साइड के टूल्स के आप देख सकते हैं कि ये ऐसे है और दूसरे साइड भी टूल्स का है ना कि उसकी एंडिंग भी यूजफुल है। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक से है और बहुत
मल्टीपर्पज आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इनके टूल्स है एंड इसके साथ तो आपको मिलते हैं कि कटर या चाहे आप किसी चीज में यूज कर सकते हैं। बस आपको कुछ में प्रेस करना होगा, जैसे प्रेस किया और आप बस इससे शेप आ जाएगा और वो कट होके निकल जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा है, आपको दिखा देती हूँ। और साइड बाय साइड में से इमेज मतलब मैं ट्राई भी करूँगी तो मैं आपको साइड बाय साइड इमेज या वीडियो भी लगा दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बहुत वर्क जैसे आया था तो मैं बहुत खुश थी इस प्रोडक्ट को लेकर और एक्साइटेड थी, तो मैंने इसे यूज़ करके देखा था और ये वर्क करता है। और ये वाला तो वर्क करता है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसके से कुकीज़ बनाया था। एंड आपको बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में मिलेंगे, जैसे कि ये फ्लावर्स है, ये भी फ्लावर है, बट ये डिफरेंट फ्लावर्स है। बस इसमें कोई भी बीच में कोई शेप नहीं है, बस ये फ्लावर कटआउट है और इसमें पैटर्न बना हुआ है, जैसे कि अंदर में फिनिशिंग हो रखी, आप देखिएगा इसमें अंदर में फिनिशिंग हो रखी है इस वाले में। एंड ये हमारा बटरफ्लाई शेप का है, सो मैं इसे सबको नहीं ओपन कर रही क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का, अगर मैं इसे पूरे को ओपन करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा अभी अरेंज करने के लिए। इसमें कुछ ऐसे फ्लावर्स वाले भी हैं, सो मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। एंड स्टार्स भी है इसमें क्यूट क्यूट शेप के। सो ये फ्लावर्स के हर एक शेप में आपको तीन डिफरेंट साइज मिलेंगे अवेलेबल। सो स्टार शेप में एक स्टार शेप ऐसे टाइप का ये फ्लावर शेप में है और आपको तीन गो प्रेसन वाले स्टार्स भी मिलेंगे। तो मैं एक खोल के दिखा देती हूँ आपको, इसमें सबसे छोटा वाला स्टार्स आपको एक तक छोटा सा मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा है बट इसमें ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि किसी ने यूज़ किया है इस प्रोडक्ट को, मे बी टेस्ट करने के लिए। बट ये इसमें है थोड़ा सा येलो, ये बट इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा येलोइश है, मे बी कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। बट ओवरऑल कोई बात नहीं, मैं इसे क्लीन कर लूँगी। एंड ओवरऑल क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब इतने सारे वैरायटी में ऑप्शन में मिले हैं, ये सारे पैक होकर रखे हैं, तो मैं इमेज आपको साइड बाय साइड लगा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे डिज़ाइन हमें मिलेंगे। तो क्योंकि इसे बहुत ओपन करूँगी तो अभी बहुत मैसी हो जाएगा, तो सोचिए मैं अभी ओपन नहीं करती हूँ। सो मैं आपको इमेज लगा दूँगी। और बट हाँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेकिंग वाला जो प्रोडक्ट था तो उसको मैंने जब वो वाला प्रोडक्ट देख ही रही थी तो मुझे मिला ये केक टेबल। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी इंक्लूड करूँ, मैं इसे भी परचेस करूँ, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन होता रहता है घर में कि कुछ ना कुछ आए या केक से आए सेलिब्रेट किया जाए। सो ये है केक रोटेटिंग टेबल, सो कुछ ऐसा मिला था मुझे पैकेजिंग में। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी मिली और ये रोटेट बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकती हो, तो इजीली ग्लाइड हो जाता है, इस बहुत ही अच्छा है, इस पर आप केक में रख सकते हैं। तो अगर कोई लोग इसे ढूंढ रहे हो और किन्हीं को चाहिए तो आप ले सकती हैं। स्पेशली इस पर केक ही ना रख के आप कोई भी ऐसा केक टेबल ना यूज़ करके इसे दूसरे चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, एज अ जहाँ पे आपका हाथ ना पहुँचे या पीछे मसाला चाहिए, आप इस पर अपने बॉक्सेस जो अरेंज कर सकती हैं और जब जो पीछे होगा आप उसे रोटेट करके आगे ला सकती हैं। सो ईजिली आपको वो आगे आ जाएगा, पीछे आगे करने का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एज अ उसको भी यूज़ कर सकती है उसके भी माइंड लेके। सो ये बहुत अफोर्डेबल है और क्यूट तो है, सो मुझे ये पसंद आया और ये बहुत इजीली ग्लाइड हो जा रहा है, इजीली राउंड राउंड हो जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। सो ये भी मीशो से अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकती है। चीज़ है इसे मैंने ऑलरेडी पहले मंगाया था, ऑलमोस्ट 1 month से पहले ही मंगा लिया था और मैंने इसे यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। और वो ये है, ये अदरक कूटने के लिए या छोटे मोटे मसाला कूटने के लिए। सो ये भी बहुत अच्छा है और मैंने अभी इसे यूज़ किया है तो सो अंदर से आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बट ये हैवी है और बहुत अच्छा। ये जो इसका पर्पस है वो पूरा फुलफ़िल करता है। सो ये मेरे को अभी तक इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ जैसा था वैसा आया और एक अच्छे से पैकिंग भी होके आई थी। सो अगर आपको भी ऐसा कुछ चीज़ें हैं ढूंढ रही हैं तो आप ले सकती हैं, या आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपको चाहिए तो आप या किसी को चाहिए तो आप उसे रिकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला है। इसे भी मैं 10 out of 10 दूंगी एंड ये भी थम्स अप प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट दो प्रोडक्ट है, उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जिस दो प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 1 year या 1 year से ज़्यादा ही उसे यूज़ कर लिया है, बट ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मुझे इसको साउट आउट
लेने का मन ही किया, सो मैंने इसे भी इंक्लूड कर ले रही हूँ इस वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है कंटेनर। ये मुझे सेट ऑफ 3 मिला था, अभी मुझे ये छोटा वाला सबसे जो छोटा साइज है वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, सो मैंने सोचा कि इन्हीं दोनों को दिखा देती हूँ। सो एक बिग साइज में आएगा और एक थोड़ा स्मॉल और उससे भी स्मॉल, सो 6, 7 एंड 8 ऐसे करके 6, 7 या 10 के में आता है इनके इंचेस, मतलब ऐसे वाले रेडियस में। सो ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट लगा और ये अभी तक जैसा का तैसा है और इसे मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है। सो ये बेकिंग के लिए के अलावा भी मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है इससे, सो मैं इसे शाउट आउट तो देना चाहती थी, सो मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है। सो आप इसे जो देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अभी तक चल रहा है। सो जैसे केक टिन होते हैं काले पड़ जाते हैं, सो ये बिल्कुल नहीं पड़ा और इसके लिए मैं इसको थम्स अप देती हूँ और इसे शाउट आउट देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इसे डेफिनेटली आप अगर आप ऐसा कुछ केक टिन ढूंढ रही हैं तो आप इसे परचेस कर सकती हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अप्पे पेन। सो अप्पे पेन इसे भी मैंने बहुत पहले ही परचेस किया था और ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये बिल्कुल ही अच्छा है। जैसे कि लोकल मार्केट से भी लोग मतलब मेरे घर के आसपास लोगों ने परचेस किया है तो उनकी प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत ख़राब हो जाती है, उनकी हाथ जलने लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे को इसके साथ। सो ये इसके साथ इसका जो कैप आता है वो, और आप सोच रही फोल्ड थोड़ा फोल्ड हो गया क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ किया है, सो ये थोड़ा सा हो गया है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये मुझे जैसा क्या था वैसा ही रिसीव हुआ, एग्जैक्ट जैसे पिक इमेज दी थी। और ये कुछ ऐसा है, ये नॉनस्टिक वाले टेक्सचर मतलब नॉनस्टिक वाले पेन में है और ये रेड इन कलर है। सो अगर आप भी कोई अपने पेन ढूंढ रही हैं जो आपको चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकती हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ था मुझे। सो इन लोगों को भी थम्स अप। वाले वो यहीं पे ख़त्म होती है। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो सारी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके मेरी वीडियो का। और गाइस मैंने बहुत सारी वीडियो आने वाली है और बहुत यूनिक सी चीज़ें मैंने फाइंड की थी, तो सो उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सो स्टे ट्यून। एंड जो आज की वीडियो है वो बेसिक से स्टार्ट की थी मैंने, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूजफुल चीजें होती है घर की उससे। सो जो इसके बाद जो किचन हॉल आएगा, अगर आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, जो नेक्स्ट किचन हॉल आएगा वो बहुत ही ज्यादा फैंसी वाले टाइप का प्रोडक्ट होगा, या आपको कोई प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड करना हो कि ताकि मैं उसके बारे में रिव्यू करूं तो प्लीज मुझे उसे शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या मेरे फेसबुक पे। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या साइड में आपको उसका नेम भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो सो आशुप्रिया फॉरएवर नाम से ही है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके या डीएम करके बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ। और गाइस जो भी आपका रिक्वेस्ट हो या जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आप देखना चाहें तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं जरूर से वो वीडियो आपके लिए शेयर करूंगी। सो थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं जल्दी सी।